हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज मेरे मन में एक विचार आया जो हमारे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। पिछले वर्ष मार्च 22 से हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन क्यों लगा था इससे हम सभी भलीभांति परिचित हैं। सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो पेंडेमिक थी, जो कोविड-19 महामारी थी, उसकी वजह से हमारे देश में सभी शिक्षण संस्थान, छोटे बच्चों के स्कूल, सभी कुछ बंद करना पड़ा था। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया था। ये उस वक्त की मांग थी, उस वक्त की ज़रूरत थी, और उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन इतना लंबा खिंचेगा, इतना लंबा ड्यूरेशन तक चलेगा, क्योंकि हर किसी के दिल में यही भावना थी कि चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कोई भी विस्तृत रूप से डिटेल में नहीं जानता था, और सभी अनुमान लगा रहे थे कि ये वक्ती तौर पर है और ये सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन हम जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्च के दिन गए, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, और यहाँ तक कि साल गुजर गया, और हमारे देश में जो शिक्षा की स्थिति थी उसकी हालत बिगड़ती गई, क्योंकि उससे पहले हम नहीं जानते थे कि ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ होती हैं। उसके लिए न प्रिपेयर थे, ना हमारे पास एक तरह से कहें तो संसाधन थे। संसाधन से मेरा तात्पर्य नेटवर्क और उसमें होने वाले एंड्रॉयड मोबाइल से है, क्योंकि गांव में लोग आज भी, अधिकांश लोग एक सामान्य मोबाइल सैमसंग, नोकिया, जो भी उचित हो, 1000-1500 रुपये की रेंज का रखते हैं, क्योंकि वो बेचारे, उनका इतना आय नहीं है, उतना उनको इस तरह से उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए वही पर्याप्त होता है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई तो उन गरीबों के बच्चे वो क्लास करने में सक्षम नहीं हुए, असमर्थ रहे, और स्कूल्स ने कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल सकी। तो ये जो स्थिति बनी, उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर स्कूल खुले, चंद महीनों के, एक महीने के लिए स्पेशली क्लास, जो लोअर क्लासेस थे 1-8, और उसके बाद फिर अगले साल मार्च 21 में सेम स्थिति फिर हो गई और आज तक कायम है। तो हमें इसके बारे में आज सोचने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति को कैसे टैकल करें। एक अनपढ़ माँ बाप भी, क्योंकि सब माँ बाप हमारे यहाँ अब पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ अनपढ़ माँ बाप हैं, लेकिन उनके अंदर तीव्र इच्छा है, उनके अंदर एक विश है कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे बने और आगे जाकर कामयाब बने। तो ऐसी स्थिति में वो पेरेंट्स क्या करें, उनको क्या कदम लेना चाहिए, कैसे परिस्थिति को टैकल करना चाहिए, हमें ये जानने की आवश्यकता है। मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है कि हम अपने बच्चों को जानें, वो बच्चे किस तरह से हम उन्हें टैकल करते कर सकते हैं वो जानें, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को हम पहचानें, तभी हम उनको टैकल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम एक मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, उस मोटरसाइकिल मैकेनिक पहचान लेता है इसमें क्या कमी है और उसको कैसे दूर करता है, इसी तरह से हर बच्चे के अंदर कुछ खामियां होती हैं, कुछ इनवॉर्न इंस्टिंक्ट होती हैं, जो जन्मजात गुण होते हैं, उनको कैसे विकसित करें और वो आगे जा कर के कैसे उनका सही उपयोग करें, उसी के बारे में आपको समय समय पर बच्चों की प्रवृत्ति, बच्चों की आदतें, कैसे उनको टैकल करना है, इसके बारे में जानकारी देते रहूँगा। इसलिए मैंने ये चैनल खोला है। और भी जो सोशल समस्याएँ हैं बच्चों से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और समय समय पर यह वीडियो पूरी तरह से देखते रहें। निश्चय ही आपको आपके बच्चों के बारे में इससे ज्ञान अर्जन होगा, और ऐसा आपको ज्ञान होगा जिससे कि आप अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मन में क्या चल रहा है, हाउ, व्हाट डू दे वांट, वो क्या चाहते हैं, उस तरह से आप टैकल कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी इसको देखते रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, इसकी अगली सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सबको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।